गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 के बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में से लिया गया है। पेपर 1 का सेकेंड यूनिट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट्स में दो बेसिक प्रोसेसेस होते रहते हैं लगातार। एक तो फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके विपरीत रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रेस्पिरेशन क्या है? पौधों की हरी कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन के अतिरिक्त होने वाले श्वसन को प्रकाश श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग व कार्बन डाइऑक्साइड का निकास होता है। प्रकाश श्वसन के दौरान एटीपी का संश्लेषण नहीं होता है, इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं। सो फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो फोटो रेस्पिरेशन इज अ लाइट डिपेंडेंट फिनोमिनन। It is also called as C2 cycle and takes place in the chloroplast. Oxygenation of RUBP, the full form of RUBP is ribulose by phosphate, is the primary reaction of photorespiration. It is a special type of respiration shown by many green plants when they are exposed to light. The normal dark respiration is independent of light, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। Photo respiration is a light dependent phenomenon. The term photo respiration was coined by Kartikov in 1963 to differentiate between द टू सेपरेट फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन फोटो रेस्पिरेशन में हो रहा है और एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में होता है। फोटो रेस्पिरेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट एंड इट टेक्स प्लेस ओनली इन दोज प्लांट्स विच हैव कंपैरेटिवली हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन सच एज टोमेटो, वीट, ओट्स एक्सेट्रा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, जैसे कि हम जानते हैं, व्हेन द रेशियो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टेकन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट इज द सेम, दैट इज द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम होता है, देयर इज नो चेंज एंड फोटोसिंथेसिस जीरो होता है, तो इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक एंजाइम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, द RUBP। इट इज आल्सो नोन एज रुबिस्को इज आल्सो नोन एज RUBP। रुबिस्को कैटलाइजेस टू डिफरेंट रिएक्शंस। कौन से टू डिफरेंट रिएक्शंस हैं? एक तो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। सो रुबिस्को दो फॉर्म्स में फंक्शन करता है, ड्यूअल एक्टिविटी होती है रुबिस्को एंजाइम्स की। एक तो जब RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इज इनिशिएटेड, एंड व्हेन RUBP बाइफॉस्फेट में ऑक्सीजन ऐड होता है, the oxygenase activity is
initiated. So the functioning of Nabisco depends on the relative concentration of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Thus, high carbon dioxide, low oxygen favors the carboxylase action, and high oxygen and low carbon dioxide favors the oxygenase reaction. As you can see, this is the overall view of photosynthesis and photorespiration. देखिए दोनों फिनोमिनन में लाइट में हो रहे हैं, लेकिन ये जो रिबिस्को एंजाइम है, जब नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज के फॉर्म में फंक्शन करेगा और ये ग्लिसरेट बनाता है और विच अल्टीमेटली इज कन्वर्टेड इनटू द शुगर्स. यही रिबिस्को एंजाइम जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो ये ऑक्सीजनेस के फॉर्म में फंक्शन करता है और ये ग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट बनाता है. ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक पाथवे ऑफ फोटोरेस्पिरेशन. जो सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल है फोटोरेस्पिरेशन के लिए वो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. फोटोरेस्पिरेशन अकर्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड रिबिस्को यूटिलाइजेस ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट प्रोड्यूसिंग एटीपी और शुगर. दस फॉस्फोराइलेट फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन इज रीसाइकिल्ड टू केल्विन साइकिल. ये सिंप्लीफाइड पाथवे है ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इन अ सेल. जैसे कि मैंने बताया कि फोटोरेस्पिरेशन जो है थ्री ऑर्गेनल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इसके विपरीत जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है डार्क रेस्पिरेशन केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो फोटोरेस्पिरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, what are the steps followed. In the presence of oxygen, the Rubisco forms 2-phosphoglycolate and 3-phosphoglycerate. 2-phosphoglycolate in the presence of the enzyme phosphoglycolate phosphatase forms glycolate. The glycolate which is formed in the chloroplast passes into the peroxisome where it is converted into glyoxylate and hydrogen peroxide in the presence of the enzyme glycolate oxidase. Now this H2O2 formed is a, as you very well know, it is very toxic to the cells and it is immediately broken down into water and oxygen in the presence of the enzyme catalase. Now the glyoxylate reacts with glutamate in the presence of the enzyme glyoxylate glutamate aminotransferase and gets converted into glycine. Glycine jo is transported from the peroxisome to mitochondria. Glyoxylate or glutamate se jo glycine banta hai wo mitochondria mein pass hota hai. और इन द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन टेकन प्लेस सीरीन इज अल्टीमेटली फॉर्म्ड. सीरीन विच इज एन इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड रिटर्न्स बैक टू पेरोक्सिसोम वेयर इट रिएक्ट्स विद अल्फा ग्लूटामेट टू फॉर्म हाइड्रोक्सीपाइरुवेट एंड ग्लूटामेट. हियर NADH2 is converted into NAD. The glycerate migrates again to the chloroplast where the enzyme glycerate kinase using an ATP molecule gets converted into 3-phosphoglycerate.
since 3-phosphoglycerate is an imagate of Kelvin cycle. Kelvin cycle imagate in intermediate kaun hai? 3-phosphoglycerate. It directly enters the Kelvin cycle for the synthesis of simple sugar. So this is the simplified pathway of photorespiration taking place in a cell. What is the significance of photorespiration? Though photorespiration is believed to be a wasteful process because it removes 70% of the carbon dioxide fixed by Kelvin cycle. Again, it does not produce ATP or NADPH. So plants mein photorespiration ek wasteful process mana gaya hai. But at the same time, photorespiration helps growing plants under water stress conditions by preventing damage to their photosynthetic apparatus. तो photorespiration wasteful process है, लेकिन कुछ एक इसके फायदे भी हैं प्रकाश शोषण के. एक तो इसमें ये water stress conditions में photosynthetic apparatus को बचाता है from photo oxidation and photo inhibition. Experiments with transgenic plants doing photorespiration also confirm that photorespiration protects the C3 plants from photo oxidation and photo inhibition. Iske alawa, some of the important amino acids like serine is formed, which acts as a precursor for protein, chlorophyll and nucleotide synthesis. So some important amino acids hame milti hain photorespiration ke dwara. To iske kuch beneficial effects bhi hain. Ek baat note kijiye, jin plants mein C2 fixation ke liye dusre mechanism hote hain उनमें फोटोरेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है. प्लांट्स दैट हैव पिक्यूलियर मैकेनिज्म्स टू कंसंट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इन द विसिनिटी ऑफ रूबिस्को हैव नो फोटोरेस्पिरेशन. एग्जांपल्स C4 प्लांट्स एंड CAM प्लांट्स. अब हमने सिग्निफिकेंस देखा, ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड फोटोरेस्पिरेशन. स्टूडेंट्स कई बार ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि क्या अंतर है नॉर्मल रेस्पिरेशन में और फोटो रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज़ अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, सॉरी लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एंड फोटो रेस्पिरेशन इज़ अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस. डार्क रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, वेयर एज फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन सेल्स capable of doing photosynthesis. तो केवल ग्रीन सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही सेल्स फोटोरेस्पिरेशन करते हैं. डार्क रिएक्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर एज फोटोरेस्पिरेशन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. डार्क रेस्पिरेशन अकर्स इन C3, C4 एंड CAM प्लांट्स, whereas photorespiration is confined to only C3 plants. Dark respiration is not affected by oxygen concentration in the atmosphere, but the rate of photorespiration increases with the increase in concentration of atmospheric oxygen. In dark respiration, respiratory substrate formed may be sugar, fat or protein. Whereas in photorespiration, only glycolate is formed as an, the glycolate serves as a respiratory substrate. In dark respiration, breakdown of respiratory substrate is independent of Kelvin cycle. Whereas in photorespiration, breakdown of respiratory substrate is coupled with Kelvin cycle.
Dark respiration consumes only one oxygen molecule for terminal oxidation and releases carbon dioxide at several places. Dark respiration केवल एक oxygen molecule use करता है और कई जगहों पर carbon dioxide release करता है. Whereas photo respiration consumes oxygen at three places and releases carbon dioxide only at one place. तो photo respiration में तीन जगह पर ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक जगह पर रिलीज होती है. देर इज़ नो H2O2 फॉर्मेशन इन डार्क रेस्पिरेशन, बट H2O2 इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, वह केवल फोटो रेस्पिरेशन में निकलती है जो कि फर्दर वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है. Oxidative phosphorylation occurs in dark respiration, but it is altogether absent in photorespiration. This is an important point. Oxidative phosphorylation केवल dark respiration में होता है और ये oxidative phosphorylation absent होता है photorespiration. Several ATP molecules are generated during dark respiration, but there is no ATP synthesis in photorespiration. Additionally, in dark respiration, NADPH and NADPH2 are synthesized, but they are not synthesized in photorespiration. In dark respiration, there is no ammonia production, but in photorespiration, one molecule of ammonia is released for release of every carbon dioxide molecule. So, this is all about